ओके, तो आज की हमारी क्लास है, इसमें जो टॉपिक है हमारे क्लास का वो है CSS। ठीक है, CSS का पूरे वर्ड पहले आप समझ लें क्या है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टाइल, डिजाइन, थीम की बात होगी इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ी सी आप चेयर कर, वो ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि इसके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई स्टाइल थीम डिजाइनिंग का काम करेंगे। अब ये भी क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब चूंकि कंप्यूटर के हवाले से यूज कर रहे हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ जो है एक मसला है कि CSS अप्लाई ऑन HTML एलिमेंट्स, मतलब इसका जो कोड अप्लाई होगा वो किस पर होगा, HTML के एलिमेंट्स पर। ठीक है ना, तो हमें आसिम बताएगा HTML के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। चलें नेमतुल्ला बताएंगे, से शरफुद्दीन बताएंगे, मुसिफ बताएंगे, यानी कि जो HTML की कमांड्स हैं जिनको हम HTML के टैग कहते हैं वही HTML के एलिमेंट्स हैं। ये मैंने नीचे लिख रखा है, जैसे बॉडी, UL, LI, P, B, I, U, IMG, एंकर और भी हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, HTML एलिमेंट्स। तो CSS का कोड जो है अप्लाई किस पर होगा, यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि CSS का कोड अप्लाई होगा HTML के ऊपर, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि पहले आपको HTML का कोड करना है, HTML के कोड के ऊपर अप्लाई होगा CSS का कोड। डायरेक्टली CSS का कोड काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई बेस ही नहीं होगी, कोई रीजन ही नहीं होगी अप्लाई होने की, दैट्स वाई। ओके, तीन तरीके से हम CSS को कोड कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका है इनलाइन मेथड, दूसरा तरीका है इंटरनल मेथड, तीसरा तरीका है एक्सटर्नल मेथड। मतलब इसके कोड को हम तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं HTML के ऊपर। ओके, अब चलते हैं CSS का कोड किस तरह का होता है। CSS कोड हैज प्रॉपर्टीज, CSS कोड प्रॉपर्टीज, CSS का कोड जो है प्रॉपर्टीज की तरह होता है, प्रॉपर्टीज ही होती है, या यू कह लें प्रॉपर्टीज की शक्ल में होता है। और वी सेट द वैल्यू फॉर ईच प्रॉपर्टी, जिसमें हम हर एक प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू सेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन होती है खसूसियात, और अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो जैसे नाउन होता है, नाउन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। भाई नाउन है बॉय, बॉय की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम काउंट करेंगे किसमें, एडजेक्टिव में, यानी कि उसका कलर, उसका एज, IQ लेवल, उसकी हाइट, उसका वेट, ये सब उसके एडजेक्टिव्स में काउंट हो रहा होगा। तो एडजेक्टिव्स ही नाउन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर आप यूं समझ लें कि HTML का एलिमेंट जो है वो एक नाउन है और उसकी प्रॉपर्टीज को रीडिफाइन करेंगे। मतलब ऑलरेडी उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसका कलर, फॉन्ट वगैरह सब चीजें हैं, लेकिन जब हम उसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, तो हम CSS का कोड यूज करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं बतानी, ये ऑलरेडी इसके अंदर बनी बनाई मौजूद है। CSS के काफी वर्जन आए, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ चुके हैं इसके वर्जन भी। तो बहरहाल आपने सिर्फ ये समझना है इस प्रॉपर्टी का काम क्या है और ये कैसे काम करती है, और वो किसी भी एलिमेंट पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो CSS भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लें जो वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है, थीम्स डिजाइन करने के लिए, स्टाइल्स बनाने के लिए, कलर्स, इफेक्ट्स, और इससे वेब पेज आपका बेहतर अट्रैक्टिव हो जाता है। चलें अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है,